सीजीएल 2018 पास किया आप, कंग्रेचुलेशंस, आपको नौकरी मिल गया है। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस क्या दोगे आप, ताकि आपको होम पोस्टिंग मिले, आपको बेस्ट जॉब भी मिले, और सबसे ज़्यादा बात है कि आप जहाँ पे हो, जहाँ से बिलोंग करते हो, अगर होम पोस्टिंग भी नहीं मिले तो जहाँ से बिलोंग करते हो तो वहाँ के करीब जो है ऑफिसेस वहाँ पे मिले। कैसे मिल सकता है ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू मेड फॉर सीजीएल। जो लोग देखते रहे तो उसको पता है, जो लोग पहली बार आए हो, नए आए हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो इसके पहले मैं कोई भी वीडियो में बात नहीं किया है। दिस इज़ रिगार्डिंग सीजीएल 2018 पोस्ट प्रेफरेंस। आप लोग जहाँ पे पोस्ट जिन लोगों को, आप लोगों में से जिन लोगों को जॉब मिला है सीजीएल में 2018 में फाइनल रिजल्ट में, जिन लोग अभी कंफ्यूज्ड हो, अभी मैंने सुना कि प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो लोग अभी कंफ्यूज्ड हो कौन सी जॉब लेना है, कौन सी जॉब नहीं लेना है, कहाँ पे लेना है, कैसे पोस्टिंग मिलेगा, मुझे तो पता नहीं, ये सब क्वेरी के बारे में मैं अभी बात करूँगा। और मुझे लगता है आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो फुल, आपका कोई डाउट रहेगा नहीं, तो इस वीडियो पूरा एंड तक ही देखिएगा और मेरे साथ बने रहेगा। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली और मैं कौन हूँ, मैं कितने बार सीजीएल दिया हूँ, 2014-16 आई बटन में है, देख लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले एक बात है, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है और सब्सक्राइबर शाउट आउट इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस वीडियो के एंड पे सब्सक्राइबर शाउट आउट भी करूँगा, जो एक बंदा जो नया सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल एक दो दिन में। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो का जो बोनस टिप होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज हुआ गोइंग फॉर पोस्ट प्रेफरेंसेस। 18 का अभी चल रहा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, 19, 20, 21 जो भी आएगा नेक्स्ट से, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग कि पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से बहुत कुछ मैटर करता है लाइफ में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चलिए, तुम सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों को जॉब मिला है या स्कोर गुड मार्क्स, किसी को WO पोस्ट मिला है, किसी को 4600 ग्रेड पे पोस्ट मिला है, किसी को 4200 ग्रेड पे मिला है, किसी को 2800 और किसी को 2400। मैंने जितना सुना है, मेरा जो डिपार्टमेंट है अभी AG में जे का पोस्ट अभी वैकेंसी एडवर्टाइज ही नहीं किया है उन लोगों ने, अकाउंटेंट अभी लेगा ही नहीं, तो अंदर से ही हो रहा है जो भी है। बट एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आई हैव गॉट, आई हैव सिक्योर अ पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में मैं चार पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो। कौन कौन सी पार्ट है, पहली पॉइंट है ये, कैसे हम लोग पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट मेरे लिए ठीक है, कौन सी पोस्ट मुझे मिलेगा। पहली पॉइंट है मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन योर कैटेगरी। ये बहुत ही अच्छा एक डेटा दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अभी मेरे टाइम में नहीं था, लेकिन अभी राइट अप में वो लोग लिख देते हैं कि ये पोस्ट कोड है, ये पोस्ट है, ये आपका कैटेगरी है, और ये है मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैटेगरी, लास्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट इन दैट कैटेगरी। मतलब आप पकड़ लो, आप TA के लिए जा रहे हो, तो TA में लास्ट सिलेक्टेड जनरल को मिला है, पकड़ लीजिए फॉर इंस्टेंस 420, और आपको मिला है पकड़ लीजिए 425, तो यू कैन गेट अ सेंस कि मैं आप कितने क्लो, मतलब आपका रैंक कितना पास है, कितना दूर है फ्रॉम द टॉपर टू द लोएस्ट रैंकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, आपको एक चीज़ और भी देखना पड़ेगा, ये जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा ये चार मतलब पैरामीटर्स है जिसके वजह से आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे। सेकंड पॉइंट है वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड ऑफ दैट स्पेसिफिक पोस्ट दैट यू आर गोइंग फॉर। मतलब पकड़ लीजिए, अगर आप CAG में ऑडिटर बनोगे या CGDA में जाओगे या CGA में जाओगे, उसमें कितना वैकेंसीज उन लोगों ने बोला है, ये बात अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो पता कीजिए। क्योंकि अगर आप पकड़ लीजिए एक्साइज इंस्पेक्टर में जाने वाले हो, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर का आपका वैकेंसी ही पता नहीं है, लास्ट डे में अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर के चले आए हो, फिर आपको पता चला कि इंस्पेक्टर का वैकेंसी था 300 सारी चेन्नई में और आपको चेन्नई जाना नहीं था, तब क्या करोगे। मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो आप पूरा एंड तक ही देखो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने खुद सीखा है इस 4-5 सालों में, मेरे से और मेरे बाकी दोस्तों से जिसको मैं देखते रहता था अभी बॉम्बे में यहाँ पे 3-4 साल में।
तो पहली बात है, आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसका वैकेंसी कितना है पता करो, कौन सी स्टेट में आपका होम स्टेट, इफ़ यू आर फ्रॉम बंगाल और इफ़ यू आर फ्रॉम यूपी, आपका स्टेट में कितना वैकेंसी है वो पता करो, क्योंकि अगर आप पता करोगे कि टोटल वैकेंसी कितना है तो वहाँ पे राइट अप वो लोग दे ही देता है कि इस स्टेट में इतना, इस स्टेट में, इस स्टेट में इतना, पता करो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट होम पोस्टिंग। घर से नौकरी करना बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता है क्योंकि आई हैव डन बोथ। तो मेरा सलाह लो और घर में जो होम पोस्टिंग जो मिलेगा वही जॉब लो। हाँ, अगर आप को 4600 ग्रेड पे मिल रहा है एंड आपको लग रहा है कि अगर आप लोगे तो बाहर स्टेट में जाना पड़ेगा तो जाइए, दैट्स योर चॉइस, क्योंकि 4600 ग्रेड पे बहुत ही अच्छा सैलरी वैलरी है, तो कोई भी स्टेट में जाइए इस देश की तो आपको अच्छा ही लाइफस्टाइल बनेगा। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो ये बात सुन लो और वैकेंसीज कितना है वो पता कर लो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो डू एन RTI। थर्ड पॉइंट है जॉब सुटेबिलिटी फॉर यू। पकड़ लीजिए आप लड़की हो, कंजर्वेटिव फैमिली से हो, आपको एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिला है, आप ज्वाइन भी कर रहे हो, आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ रहा है, आप जाते हो आते हो इंस्पेक्शन के लिए, फिर रास्ते में कुछ हो जाता है क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोस्ट, थ्रेट्स रहता है। जो भी इंस्पेक्टर पोस्ट में आप जाओगे CGL में, आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा पोजीशंस को, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव पोजीशंस है, करोड़ों का लेन देन होता है, तो एक आदमी या एक रुपए इधर उधर हो जाने से बहुत मुश्किल हो जाता है, बीट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आप पकड़ लो कि आप कौन सी टाइप का हो, क्या आप लोगों के साथ मिक्स करना चाहते हो या अपने खुद में रहना चाहते हो, तो कौन सी पोस्ट आपको चाहिए ये आप डिसाइड कर लो आपका मतलब पर्सनैलिटी की वजह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग हो और आपको घुस गए हो आप ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे लोगों के साथ काम ही नहीं है, खुद अपने टाइम में फाइलिंग वर्क करो फिर चले जाओ। तो ऐसा मत कीजिए, अगर आपका पर्सनैलिटी है कि आप थोड़े से एडवेंचरस हो, इधर उधर जॉब की वजह से जाना अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म पहनना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली गो फॉर PO इन कस्टम्स प्रिवेंटिव और एक्साइज इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा पोस्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन पहले आप सोच लो कि आपका पर्सनैलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक बार अगर चूज़ कर लोगे तो आपको और अब ऑप्शन नहीं मिलेगा छोड़ने का अनटिल यू गिव अनदर एग्ज़ाम। और नंबर फोर्थ पॉइंट है, ये है वैकेंसीज इन योर होम स्टेट। आपका होम स्टेट में कितना, पहले आप पता कर लो कितना वैकेंसीज है आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उस पोस्ट का टोटल में, फिर पता करो कि आपका होम स्टेट में कितना वैकेंसी है। अगर आपका होम स्टेट में पकड़ लीजिए अच्छा वैकेंसी है तो लो जाओ, वरना मत जाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है अगर आप जाओगे तो। ये फो चार पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, वैकेंसीज कितना है, जॉब सुटेबिलिटी फॉर यू, आपका होम स्टेट में कितना वैकेंसी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका होम स्टेट में आपका कैटेगरी का कितना वैकेंसी है। अब इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, तो मैं यहीं पे बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा दो तीन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हुआ है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन लंबा भी हो रहा है। तो इस बार हम लोग बात करते हैं जो मैं बोनस टिप्स देने वाला हूँ। देखिए, इसमें दो बोनस टिप्स होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा जो लास्ट वीडियो है टैक्स असिस्टेंट का, कंप्लीट डिटेल्स मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आई बटन में, आप जाके देख लो। और मेरा एक दूसरा वीडियो भी है डिविजनल अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल और अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल इन CAG, अगर कोई भी आप लोग जा रहे हो इस पोस्ट की वजह से यहाँ पे आई बटन में देख लेना, जॉब प्रोफाइल जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे चारों है, वहाँ पे आप जाके देख लो। अब आते हैं बोनस टिप में। पहली जो बोनस टिप होगा, सुनिए, पकड़ लीजिए आप जा रहे हो एक्साइज इंस्पेक्टर के पोजीशन के लिए, ठीक है, आपका मार्क्स पकड़ लीजिए है उसका, आपका कैटेगरी है जनरल, और पकड़ लीजिए आपका जनरल का लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट को मार्क्स मिला है 460, कैटेगरी का काट ऑफ है 460 ही पकड़ लीजिए, 460 है कट ऑफ, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट को 460 मिला है और आपका मार्क्स है 470 या 465 पकड़ लीजिए। आप रहने वाले हो बैंगलोर की या दिल्ली की,
और आप सोच रहे हो कि एक्साइज इंस्पेक्टर तो मुझे मिल गया, मुझे दिल्ली भी मिल जाएगा। अब सुनो, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको क्या लगता है, अगर आप लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से 5 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा तो आपको आपका होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने जब टीए ज्वाइन किया था, आई वॉज ऑलमोस्ट एट द लास्ट रैंकर उसके टाइम में, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी था CBEC का TA का, मुझे वहीं पे भेज दिया गया। तो आपको कोई चॉइस भी नहीं मिलेगा अगर आप लास्ट पोस्टिंग के रैंक में जा रहे हो। पकड़ लीजिए 460 है, आपका 465 है और आप जा रहे हो उस पोस्ट में, आपको चॉइस ही नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपको देगा आपको जाना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दैट जॉब, विच आई थिंक यू विल डू बिकॉज यू हैव गॉट जॉब इन दिस टाइमलेस टाइम्स। तो आपको जॉब भी चाहिए, आपको होम पोस्टिंग भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। अगर किसी पोस्ट का आप जा रहे हो, उसका जनरल पकड़ लीजिए, आप जनरल कैटेगरी के हो, जो भी कैटेगरी के हो, आपका कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ है 460 और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट को 460 मिला है, आपको अगर उस पोस्ट के उस नंबर से अगर आपको 20 से 25 नंबर ज़्यादा नहीं मिला है, मतलब इन दिस केस 460 इफ़ इट्स द कट ऑफ, देन 480 to 485 नहीं मिला है, तो आपको उस पोस्ट में कभी भी होम पोस्टिंग नहीं मिलेगा। हो सकता है आप मेरे से बात कर सकते हो कि नहीं, मेरा 10 नंबर ही ज़्यादा था लेकिन मुझे होम पोस्टिंग मिल गया, हो सकता है बिकॉज आपके होम में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज था उसके लिए आपको मिला, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता है। मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, अगर उस पोस्ट से आपको 20-25 नंबर ज़्यादा है तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपको मिलेगा, बीट एनी पोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ओनली 4600 और WS, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टैक्स असिस्टेंट्स एंड CAG 2800 ग्रेड पे पोस्ट। जो भी कट ऑफ है उससे अगर आपको 20-25-30 जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, 20-25-30-40 मार्क्स ज़्यादा है तो आपको होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस और भी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं। अगर नहीं है तो पकड़ लीजिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप बीच में हो, 20 से 25 के बीच, मतलब यू हैव गॉट 475 तो मुश्किल है, और अगर आप लोग 460 के पास ही मिले हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो ऑलवेज चूज द पोस्ट, यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट में आता हूँ, तो अभी करें तो क्या करें, तो ऑलवेज चूज अ पोस्ट जिससे आपका कट ऑफ 20-25 मार्क ज़्यादा है टू गेट होम पोस्टिंग। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, इफ़ योर प्रायोरिटी इज़ होम पोस्टिंग रदर देन द पोजीशन, तो आपको ऐसे करके स्ट्रैटेजी करके चलना पड़ेगा। क्या पकड़ लीजिए TA का कट ऑफ है, TA CBE का कट ऑफ है 440 और आपको मिला है 460, यू आर वेरी इन चांस ऑफ गेटिंग इन टू योर होम पोस्टिंग। लेकिन आपको एक्साइज में मिला है, एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ है 460, आपको मिला है 462, नहीं मिलेगा। TA में मिला है 440 कट ऑफ, 430 कट ऑफ और आपको मिला है 462, 100% होम पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन आप लोगे कि नहीं लोगे ये आपके ऊपर है। अभी जो सेकंड पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो पॉइंट है जो भी आप पोस्ट लो, जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करो, एक बात हमेशा याद रखना, आपका सीनियरिटी, आपका प्रमोशंस, आपका जो भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलता है आपके बैच में सीनियरिटी, वो सब कुछ डिपेंड करता है, नहीं आपके ज्वाइनिंग के डेट पे तो है ही लेकिन थोड़ा सा, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इन योर SSC CGL मार्क्स। ये बात हमेशा याद रखना, आपका SSC CGL मार्क्स कितना रैंक है आपका, और आप जिस डिपार्टमेंट में गए हो वहाँ पे आपको छोड़ के बाकी का कितना रैंक है, ऐसे डिसाइड किया जाएगा किसको पहले प्रमोशंस मिलेगा। सर्विस अगर एक होगा, सबका सर्विस ही पकड़ लीजिए 3 साल है, और 3 साल के बाद एक प्रोमोशनल बेनिफिट आया है, जिसका रैंक जितना पहले होगा उसको उतना ज़्यादा उसको उतना पहले प्रमोशनल बेनिफिट्स मिलेगा। हर एक पोस्ट में ये है। मैं जब ज्वाइन किया था 16 में तो मेरा मार्क्स करीबन एक्साइज इंस्पेक्टर के टाइप में ही था, लेकिन मैं 2800 ग्रेड पे चूज़ किया हूँ और मेरा नाम ऑलमोस्ट इन द टॉप 3 है प्रमोशंस के लिए, इफ़ नॉट इन द टॉप मोस्ट पोजीशन, ऑलमोस्ट इन द टॉप 3। तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि अगर आप 460 कट ऑफ है और 460 में आप एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन भी कर लियो, पकड़ लीजिए आप होम पोस्टिंग आपको चाहिए नहीं, आप ज्वाइन भी कर लेते हो चेन्नई में जाके, लेकिन वहाँ पे जो हाईएस्ट रैंकिंग होगा, पकड़ लीजिए आपको 460 मिला, जिसको मिला है 500 वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर में मिला है चेन्नई में, उसका प्रमोशन पहले होगा अगर आप लोग एक ही बैच में ज्वाइन किए हों। ये बात हमेशा याद रखना, यह बात मुझे पता नहीं था,
तो ऑलवेज चूज अ पोजीशन वेयर यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन, कि मेरा सीनियरिटी भी अच्छा होगा, मेरा ये सलाह है आपको। और अगर आप लोग ये सलाह नहीं लेते हो तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए, सब के लिए, आप लोगों का भला हो, आपको होम पोस्टिंग भी मिले एक जॉब में और आपको पहले पहले प्रमोशंस भी मिले। तो चूज़ योर ओन पोस्ट, और ये दो बोनस पॉइंट हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दो बोनस पॉइंट के वजह से ही आपका सर्विस डिफाइन होगा और कुछ की वजह से नहीं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, समझता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, कोरोना का टाइम है, मास्क पहनिए, ठीक से रहिए, अभी पोस्ट अभी तो सब कुछ ठीक हो ही जा रहा है, तो अभी आप लोगों का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आपको मिलेगा, फिर से आप फिर से फिलअप कर सकते हो। मेरा ये पॉइंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, वो पॉइंट्स याद रखना, बहुत अच्छा हेल्प हुआ आपके लिए। और अभी बात आते हैं रैंडम सब्सक्राइबर शार्टआउट के बारे में, जो मेरा लेटेस्ट सब्सक्राइबर है विजय कुशवाहा। विजय, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताओ, मैं इस वीडियो के एंड पे, नेक्स्ट वीडियो के एंड पे आपका क्वेरी सॉल्व करूँगा, ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस ब्रो। तो चलिए, आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, मुझे पता नहीं यूट्यूब में ऐसा इन्फॉर्मेशन कोई दिया है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं मिला था। तो आई होप दिस हेल्प्स यू, दिस बेनिफिट्स यू, कीप वॉकिंग हार्ड, अच्छे करके दिए, अच्छा पोस्ट आपको मिले, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, अंटिल देन टाटा, गुड बाय।